संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि पशु तस्करी के प्रयासों को लेकर लगातार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं बात की जाए सांबा जिला पुलिस की तो वह भी पशु तस्करी के प्रयासों को विफल करने के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें उनको काफ़ी सफलताएं भी मिल रही है। बात की जाए पिछले कुछ समय से तो पशु तस्करी पर सांबा जिला पुलिस ने बड़ी हद तक जो नकेल भी कसी है और कई सफलताएं हासिल की है। वहीं आपको बता दूं कि सांबा पुलिस थाना के अंतर्गत रख अमटाली चौकी प्रभारी निर्मल सिंह ने आज सुबह ही एक पशु तस्करी के अनोखे प्रयास को विफल किया है, जिसमें आपको बता दूं कि सीमावर्ती क्षेत्र से एक ट्रक नंबर JK03K3485 जो सांबा की तरफ आ रहा था उसको रुकने का इशारा करवाया पुलिस टीम ने, लेकिन चालक ने ट्रक को वहां से भगाने का प्रयास किया और कुछ आगे जाकर जब पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा किया तो कुछ आगे जाकर ट्रक को रोक लिया, लेकिन जो चालक था ट्रक का वह ट्रक छोड़ के भागने में कामयाब हो गया। वहीं जब पुलिस कर्मियों ने ट्रक की जांच की तो उसमें एक हैरान करने वाला मामला सामने आया कि जिसमें एक बड़े जनरेटर का खाली जो बॉक्स कह सकते हैं आप उसको ट्रक में रखा हुआ था और उसके बीच में क्रूरता के साथ 12 मवेशियों को बांधा हुआ था। आप विजुअल में बिल्कुल साफ देख सकते हैं किस तरह से मवेशियों को उस जो एक जनरेटर नुमा बॉक्स है उसमें किस तरह से मवेशियों को बांधा गया है, वो आप विजुअल में बिल्कुल देख सकते हैं। और जब पुलिस कर्मियों ने मवेशियों को अंदर देखा तो वह भी हैरान रह गए कि एक ट्रक के अंदर किस तरह से एक जो जनरेटर का खाली बॉक्स रखा गया है और उसके बीच में मवेशियों को बांधकर तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। वहीं पुलिस कर्मियों ने बड़ी सहजता के साथ मवेशियों को बाहर निकाला और 12 मवेशियों को तस्करी के प्रयास से मुक्त करवाया और उन्हें किसी गौशाला में सेफ जगह पर पहुंचाया। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं पशु तस्कर जो हैं लगातार तस्करी के प्रयासों के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कभी टैंकरों का सहारा ले रहे हैं, कभी फिर छोटी वाहन स्कॉर्पियो हो, जहां तक कि एक ऐसा भी मामला आया था कि बैगनार में भी 2 मवेशियों को बांध कर ले जाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सांबा पुलिस भी सतर्क हो चुकी है पशु तस्करी के प्रयासों को रोकने के लिए। बड़ी एक सफलता मानी जा रही है जिसमें 12 बेजवानों की जान आज रख अमटाली चौकी पुलिस ने बचाई है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो जब से SSP सांबा विनय कुमार शर्मा जी ने SSP सांबा जिला का पदभार संभाला है तब से ही पशु तस्करी पर एक बड़ी नकेल कसी जा रही है। लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रतिदिन की बात की जाए तो हर रोज़ पशु तस्करी के प्रयासों को विफल किया जा रहा है, लेकिन जो पशु तस्कर हैं वह भी पशु तस्करी के प्रयासों को कम करने की बजाय लगातार नए नए हथकंडे अपनाकर पशु तस्करी का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का मामला जो आज आया है इसने सबको हिलाकर रख दिया है कि पशु तस्कर किस हद तक जा सकते हैं पशु तस्करी के प्रयास को करने के लिए। जिस तरह से हमने आपको विजुअल दिखाया, आप साफ विजुअल में देख सकते हैं कि 12 मवेशियों को कितनी क्रूरता के साथ बांधा गया है पशु तस्करों द्वारा। हालांकि जो पशु तस्कर था ट्रक चालक वह भागने में कामयाब हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।